गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डीएससी इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल वेबु के ऑनलाइन क्लासेज में आज आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं इनके चौधरी प्रॉमसी का आज आपके सामने क्लास एट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 01 जिसका नेम है रेशनल नंबर, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको प्रिमिटिव संख्या के बारे में हम क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। देखो बेटे, ये रेशनल नंबर है जिसका हिंदी में क्या नाम है, प्रिमिटिव संख्या, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको पिछले जो वीडियो था जिसके अंदर एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करवा दी थी, अब एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। तो मैं पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अच्छे से समझने की कोशिश करना। यानी क्वेश्चन नंबर एक जो ऐसे है, निम्नलिखित है, जैसे निम्न लिखित है, ठीक है, ऐसी संख्या दे रखी है। देखो ये संख्या हो, जैसे संख्या हो, ठीक है। फिर आगे लिखा है वो संख्या रेखा पर है, तो ऐसे संख्या रेखा पर है या रेखा पर, ऐसे रेखा पर है क्या करो, निरूपित कर, पर निरूपित कीजिए, ऐसे निरूपित कीजिए, ठीक है। ये अपने पास क्वेश्चन है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अब इसके पार्ट्स दे रखे हैं अपने पास। इसका पार्ट नंबर फर्स्ट जैसे 7/4, ठीक है, 7/4, और इसका दूसरा पार्ट जैसे अपने पास क्या, 5/6। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करवाने जा रहा हूँ, इससे पहले आप समझने की पूरी पूरी कोशिश करिएगा, ठीक है। तो वैसे निम्न संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, ठीक है। अब संख्या रेखा पर अगर निरूपित करना छठी क्लास सातवीं क्लास इसमें अच्छे से पढ़ा है, फिर भी जिस स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा वो मेरे साथ जुड़ करके आज संख्या रेखा पर निरूपित करना सीख सकता है, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखो इसका उत्तर किस प्रकार से राइट लिखेंगे, पहले तो उसे लिखेंगे कि संख्या कौन कौन सी संख्या अपने पास, जो संख्या जैसे लिखेंगे कि संख्या 7/4 और दूसरी संख्या क्या अपने पास, माइनस का 5/6 का, ऐसे संख्या रेखा पर, ऐसे संख्या रेखा पर, रेखा पर निरूपण, ठीक है। ये हमने क्या किया, निरूपण किया या निरूपित किया, ये अपन सोल्व करेंगे। यानी हमने लिखा उत्तर में क्या, देखो उत्तर लिखने का भी पता इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता चल जाएगा। देखो इसे था कि संख्याओं को संख्या रेखा पर क्या करो, निरूपित कीजिए। तो हमने लिख दिया कि संख्या को 7/4, यानी पहली संख्या तो 7/4 है, ठीक है। दूसरी संख्या क्या है, माइनस का 5/6, ठीक है। का संख्या रेखा पर क्या करो, निरूपण करो, यानी का संख्या रेखा पर निरूपण कर रहा हूँ। तो देखो सबसे पहले मैं संख्या रेखा बना रहा हूँ, यहाँ देखो इसके लिए ये संख्या रेखा होगी, ये तो फर्स्ट के लिए होगी मेरे पास, फर्स्ट पार्ट है उसके लिए। और सेकेंड पार्ट के लिए मैं संख्या रेखा यहाँ निरूपित कर देता हूँ, ये लो सेकेंड पार्ट के लिए संख्या रेखा होगी, ठीक है। अब संख्या रेखा में क्या होता है, ऐसे जीरो को रिप्रेजेंट किया जाता है, इधर वाली जो संख्या वो पॉजिटिव होती है और इधर वाली संख्या नेगेटिव होती है। ऐसे देखो यहाँ जीरो को निरूपित कर दिया, ये जो भी नंबर होंगे वो पॉजिटिव होंगे और ये क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करो बेटे। देखो ये जो संख्या है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब जीरो से इधर निरूपित होगा। अब देखो यहाँ क्या है, 7/4 है, इसका मतलब क्या है, 7 को इसका क्या है, हर है, सॉरी अंश है, और 4 इसका हर है। तो आपको 7 को रिप्रेजेंट करना है, तो आप ऐसे 7 लाइन डाल दो, ऐसे 1, ऐसे 2, 3, 4, 5, 6 और ये लो 7, ठीक है बेटे। अब यहाँ काउंटिंग स्टार्ट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। अब आपको डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करने के लिए क्या है, देखो 7/4 है, इसका मतलब 4 का भाग देना है, यानी 4 से डिवाइड करना है। तो मैं इस पर ईच नंबर को 4 से डिवाइड करूंगा, 1/4, ऐसे 2/4, ऐसे 3/4, ये हो गया 4/4, ये 5/4, ये 6/4 और ये 7/4, ठीक है। अब देखिएगा बेटे, जब भी हम इसको निरूपित कर रहे हैं तो अपने पास वो जो नंबर है वो कहाँ नजर आ रहा है, ये यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपने पास इसको एक पॉइंट दे दिया, तो ये किसका निरूपण हो गया, 7/4 का निरूपण हो गया, किस पे हो गया, संख्या रेखा पर। ये क्या है, एक नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा, जिसको अपने हिंदी में क्या बोलते हैं बेटे, संख्या रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो ये संख्या रेखा का निरूपण हो गया।
अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, देखो सेकंड पार्ट इसका क्या है, माइनस का हाइपोटेनस, यानी 5 बटे 6 का भी अपन क्या करेंगे, संख्या एक पर निरूपण करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये नंबर किसका है, माइनस का है, तो इसका मतलब किस में चल रहा है, माइनस वाली साइड में चल रहा है। ठीक है, तो माइनस का देखो कितना है, माइनस का 5 है, ये में 6 है, यानी 6 से डिवाइड करना है, यानी माइनस का के कितने प्राइम रिप्रेजेंट कर दो, इसे इसे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। ओके, अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, इसे 6 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 6 से डिवाइड किया तो ये अपॉन 6 अपॉन 6 अपॉन 6 अपॉन 6 अपॉन 6। अब आपको किसको रिप्रेजेंट करना था, माइनस के 5 अपॉन 6 को, तो देखिएगा ये माइनस का 5 अपॉन 6 आ रहा है, या इसको आपने भी पहले द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये संख्या देगा आपका किसका निरूपण हो गया, 7 अपॉन 4 का और माइनस 5 अपॉन 6 का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी नंबर को यदि नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना हो, यानी संख्या रेखा पर अपन को किसी संख्या को प्रदर्शित करना हो, तो आप ऐसे एक संख्या रेखा बना लेना, संख्या रेखा बनाने के बाद उस नंबर को चेक करना कि उस नंबर में क्या आपको दे रखा है। जैसे इस नंबर में अपन को 7 अपॉन 4 दे रखा था, तो हमने 7 9 ड्रॉ कर ली। अब देख लेना वो नंबर या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव, यानी या तो धनात्मक मिल सकता है या ऋणात्मक मिल सकता है। ठीक है, तो अच्छे से हमने इसको समझ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 में इसे राइट कर रखा अपने पास कि आपको क्या करना है, संख्या रेखा पर ही रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 याद लिख देता हूँ, जिसमें स्टूडेंट के पास बुक नहीं है वो कृपया बुक का प्रयोग करें, बुक में देखने की कोशिश करें, नहीं है तो अपने नोटबुक में राइट कर लेगा। ठीक है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे देखो, माइनस का 2 अपॉन 11। ठीक है, एक तो क्या है, माइनस का 2 अपॉन 11 है। ठीक है, और फिर हमारे पास दे रखा है ऐसे माइनस का 5 अपॉन 11। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप पर दे रखा है ऐसे माइनस का 9 अपॉन 11। ठीक है, और इसने इसमें राइट किया है क्या, को संख्या रेखा पर ऐसे को ऐसे देखो संख्या, और फिर राइट किया ऐसे रेखा। ठीक है, ये लो बेटे रेखा पर निरूपित कीजिए, यानी इसको भी क्या करेंगे, निरूपित करेंगे, तो मैंने ऐसे राइट कर दिया, ये लो निरूपित कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया अपना क्वेश्चन नंबर। तो अब मैं सबसे पहले इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार अच्छे से समझना किस प्रकार से इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं इसका आंसर लिखूंगा ऐसे कैसे उत्तर। ठीक है, उत्तर में क्या राइट करूंगा, सबसे पहले राइट करूंगा ऐसे कि संख्या हो। ठीक है, ऐसे अपने पास कौन कौन सी संख्या है, देखो पहली संख्या है अपने पास क्या, माइनस का 2 अपॉन 11 कॉमा, दूसरी संख्या क्या रखिए, 5 अपॉन 11। ठीक है, कॉमा, थर्ड नंबर क्या है अपने पास, 9 अपॉन 11, यानी माइनस का 9 11। ठीक है, को अपन ऐसे लिखेंगे को या फिर ऐसे लिखेंगे का संख्या रेखा पर निरूपण, ऐसे संख्या रेखा पर निरूपण। ओके, ये लो रेखा पर निरूपण, ये लो मैंने डाल दिया ऐसे कैसे निरूपण, यानी हम क्या कर रहे हैं इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमने इसके लिए एक नंबर लाइन प्रेजेंट कर दी है, ये लो मैंने एक नंबर लाइन प्रेजेंट कर दिया, अच्छे से नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैंने एक आता है यहाँ 0 आता है। ठीक है, 0 के बाद इधर वाली साइड में जो भी नंबर आते हैं वो किसके आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, और इधर जो नंबर आते हैं वो क्या आते हैं, नेगेटिव आते हैं। ठीक है, अब अपने पास नंबर क्या है, इधर देखो 2 अपॉन 11 है, 5 अपॉन 11 है, 9 अपॉन 11, यानी कि 2 बटे 11, 5 बटे 11, 2 बटे 11, ये सब नंबर किस में है, माइनस में। ठीक है बेटे, हम माइनस को काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, देखिए यहाँ से 1, ये लो 2, ये लो 3, ये लो 4, ये लो 5, ये लो 6, ये लो 7, ये लो 8, ये लो 9। ठीक है, फिर यहाँ से माइनस में राइट कर दिया, फिर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8, बेटे माइनस का 9। ठीक है, अब डिवाइड किससे करना है, देखो माइनस का 2 अपॉन 11, माइनस का 5 अपॉन 11, माइनस का 9 अपॉन 11, यानी सब में किसका भाग देना है, 11 का भाग देना है। तो ठीक है बेटे, ये लो 11 से डिवाइड कर दिया, माइनस 1 अपॉन 11। ठीक है, ऐसे ही माइनस का 2 अपॉन 11। ठीक है, ऐसे हमने माइनस का 3 बटे 11। ठीक है, ऐसे ही माइनस का 4 बटे
ग्यारह, ठीक है, ऐसे माइनस का पांच होते हुए ग्यारह, ठीक है, ऐसे छह होते हुए ग्यारह, ठीक है, ऐसे क्या सात होते हुए ग्यारह, ठीक है, ऐसे क्या हो गया आठ होते हुए ग्यारह, ऐसे दो होते हुए ग्यारह, ओके राइट। नेक्स्ट स्टेप में देखो अपन को किस क्वेश्चन नंबर को रिप्रेजेंट करना था, ठीक है बेटे, पहले तो क्या था माइनस का टू अपॉन इलेवन, यानी माइनस के दो बटे हुए ग्यारह, देखिएगा ये रहा अपने पास, इसको तो नाम दे दो ए और ऐसे अंडरलाइन कर दो, ये तो है वो नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है माइनस का फाइव अपॉन इलेवन, ठीक है, देखिएगा बेटे ये रहा माइनस का फाइव अपॉन इलेवन, तो ये दोनों इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया गोल राउंड द्वारा, तो साथ में ये दो भी पॉइंट हो गया अपने पास, ठीक है। और थर्ड क्या था माइनस का नाइन अपॉन इलेवन, तो ये तो माइनस का नाइन अपॉन इलेवन ये हो गया बेटे, इसको मैंने सीधे दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया संख्या एक का निरूपण हो गया, यानी अपना क्वेश्चन नंबर टू भी इजीली क्या हो गया सिंप्लीफाइड हो चुका है। अब देखो अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री पे, क्वेश्चन नंबर थ्री अपन को क्या कह रहा है, किस प्रकार से अपन को समझना है, ठीक है, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर तीन ऐसी है कि जिसके अंदर आपने सही मेरे हिसाब से सिक्स क्लास या सेवन क्लास में पढ़ा होगा अच्छे से कि भाई अपन को प्रीमिस संख्या फाइंड करनी है, तो देखो ऐसे लिख सकता है इसमें क्वेश्चन नंबर तीन, यानी मैं क्वेश्चन नंबर तीन की बात कर रहा हूँ, तो इसको समझने की कोशिश करना कि ये क्या है। ऐसे है कि ऐसी, ठीक है, पांच संख्या है, क्या पांच संख्या, ठीक है, पांच प्रीमिस संख्या, ओके, ये लो प्रीमिस संख्या है, अपन को क्या करनी है फाइंड करनी है, ठीक है, यानी निकालनी है, ये लो लिखिए, ठीक है, यानी अपन को क्या करनी है पांच प्रीमिस संख्या लिखनी है जो क्या हो, ऐसे लिख रखा है जो किससे दो से छोटी हो, ये लो दो से छोटी हो, ठीक है। तो अच्छे से देखना किस प्रकार से करेंगे इस क्वेश्चन को, ये अपना क्वेश्चन नंबर थ्री, अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे अच्छे से समझ लो आप, ठीक है। देखो क्वेश्चन ऐसे ऐसी पांच परिमेय संख्याएं लिखी हैं जो दो से छोटी हैं, तो पहले उत्तर लिखेंगे इसी प्रश्न से कि ऐसी पांच परिमेय संख्याएं, ऐसी पांच, ठीक है, परिमेय संख्याएं, जैसे परिमेय संख्याएं, ठीक है, ऐसे लिखिए जिसकी जगह लिखेंगे निम्न है या निम्न प्रकार से निम्न है जो, ऐसा लिखेंगे दो से क्या है छोटी है, दो से छोटी या छोटी है, ठीक है। अब देखो दो से छोटी है इसके लिए मैं एक नंबर लाइन बना देता हूँ आपके सामने, इसलिए अपने पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना बेटे। जैसे मैं ये कहूँ कि ये क्या है जीरो है, ये प्लस का वन है, ये प्लस का टू है, ये प्लस का थ्री है, ये प्लस का फोर है, ठीक है, आगे ऐसे नंबर चलते रहेंगे, हाँ प्लस इंफिनिटी तक चलते रहेंगे, ठीक है। ऐसे देखो ये माइनस का क्या है वन है, ये माइनस का टू है, माइनस का थ्री है, माइनस का फोर है, माइनस का फाइव है, माइनस इंफिनिटी तक चलता है। तो देखिएगा एक बार देखो आप बेटे ये क्या कह रहा है, ऐसी प्रीमिस संख्या बतानी है अपन को जो दो से छोटी हो, ठीक है, तो आप पहले दो देखो कहाँ है, दो यहाँ है, ये रहा दो, ठीक है, ये बिंदु दो है। अब इससे छोटी संख्या लिखनी है, कितने लिखनी है पांच, तो देखो ये सब संख्याएं इससे छोटी हैं, भाई एक भी इससे छोटी है, जीरो भी इससे छोटा है, माइनस एक भी इससे छोटा है, माइनस दो भी इससे छोटा है, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस पांच, बहुत सी ऐसी संख्याएं हैं, वो सब क्या है दो से छोटी है, बट ये सब क्या है परिमेय संख्या है, तो हम लिखेंगे निम्न है, जैसे मैंने लिख दिया क्या कि माइनस का दो, माइनस एक, जीरो, एक, ठीक है, ये लो माइनस तीन, ठीक है, तो देखो एक दो तीन चार पांच हो गए, ठीक है, है ये ऐसे जैसे इसका आंसर बन गया मेरे हिसाब से, समझ में आ गया होगा। फिर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की, यानी क्वेश्चन नंबर चार, देखो क्या है किस प्रकार से अपन इसको समझेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, मेरे साथ जुड़े रहिए और बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझो, इतना खास नहीं है, आपने सेवन क्लास में प्रीमिस संख्या पढ़ी थी, फिर भी नहीं पढ़ी हो तो आप अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो। देखो प्रश्न नंबर चार की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर अपना ऐसे है कि माइनस का टू अपॉन फाइव है, ठीक है, और एक नंबर दे रखा है ऐसे और वन अपॉन टू, ठीक है, ऐसे लिखा है के मध्य यानी बीच में, ठीक है, आपको क्या करनी है दस परिमेय संख्या बतानी है, अरे मैं तो कहता हूँ ये तो दस लिखा है आप चार निकाल सकते हो, ठीक है, परिमेय संख्या है, ऐसे देखो संख्या है क्या करो क्या करो, ठीक है, ये लो याद है कीजिए, ठीक है, तो
तो देखिए बेटे किस प्रकार से ज्ञात कर पाएंगे, हम ज्ञात करेंगे इन दो संयोगों के बीच में भिन्न संख्या, ठीक है, कितनी 10। तो एक बार इधर आइडिया ह्यूमर के लिए येलो ये यहां डाल दो, ये अपना रफ पेज लेकर वाला और यहां पर फिर काम करेंगे। तो सबसे पहले तो हम उत्तर लिखेंगे, ठीक है, उत्तर के लिए मैं इसे कैसे लिखूंगा कि माइनस का 2/5 है और जैसे मैंने लिख दिया 1/2 के बंदे, ठीक है, 10 परिमेय संख्या है, जैसे 10 परिमेय संख्या है, ऐसे परिमेय संख्या है, ठीक है, निम्न प्रकार से, ऐसे निम्न प्रकार है। अब 10 परिमेय संख्या लिखते हैं, ठीक है, तो मैं एक बार आपको आइडिया दे दूं। देखो अपने पास संख्या थी माइनस का 2/5 और ये थी 1/2। अब अपन को 10 निकालनी है, तो आप 10 में 1 जोड़ दो, 11 हो गया, ठीक है। तो आप जब 11 से गुणा करवाओगे, एक तरीका भी हो सकता है, या फिर ऐसे करो कि इस नंबर को आप किसी भी नंबर से गुणा करवा दो, क्योंकि 10 तो पूछ रहा है, तो 10 से आप अधिक ले लो, ठीक है, अधिक मान, जैसे मैं 20 ले लूं, 30 ले लूं, 40 ले लूं, 50 ले लूं, तो जैसे मैंने 20 ले लिया, तो इसको 20/20 से गुणा करवा दिया, ठीक है। तो ये क्या बात है, 20 × 1 = 20 और 20 × 2 = 40, ठीक है, यानी क्या हो गया 20/40, यानी इसको अपन से तरीके से क्या कर सकते हैं, कोई 1/2 कर सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा। अब सकता है इस संख्या के इस हर को, ठीक है, इससे डिवाइड करो इस 40 को, ठीक है, डिवाइड करने पर आपके पास एक नंबर मिलेगा। तो मैंने क्या किया, ये लो 5 से भाग दिया किसमें, 40 में, तो क्या आया 8, ये लो। अब मेरे पास ये जो 8 आया ना, इस 8 से इस नंबर को गुणा करवा दो, ताकि दोनों संख्याओं का क्या हो जाए, हर बराबर हो जाए। तो ये लो माइनस का 2/5 को मैंने गुणा करवाया 8/8 से, तो ये माइनस का 16/40 हो गया। अब आराम से आप संख्या लिख सकते हैं किसके बीच की, माइनस का 16/40 से लेकर के कहां तक, 20/40 तक, ठीक है, कोई भी 10 संख्या लिख दो। तो मैं लिख सकता हूं, देखो मैं काउंटिंग स्टार्ट कर दूं, ये लो कि माइनस का 7/40, माइनस का 6/40, माइनस का 5/40, ठीक है, फिर राइट कर दिया माइनस का 4/40, फिर राइट कर दिया माइनस का 3/40, ठीक है, फिर राइट कर दिया माइनस का 2/40, फिर राइट कर दिया माइनस का 1/40, फिर राइट कर दिया 0, फिर राइट कर दिया 1/40, फिर राइट कर दिया 2/40, फिर राइट कर दिया 3/40, फिर राइट कर दिया 4/40, फिर राइट कर दिया जैसे 5/40, फिर राइट कर दिया 6/40, फिर राइट कर दिया 7/40। तुम्हें तो कितने लिखने थी, 10 ही लिखने थी बेटे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। आप यानी माइनस 16 से, यानी माइनस 15 से स्टार्ट करके 19/40 तक खूब संख्या लिख दो। अब आपको और ज्यादा संख्या चाहिए, बोले इसमें तो 10 से पूछा सर 100, 200, 1000, तो आप इसको 100/100 से गुणा कर दो, जिससे 1/2 को आप 100/100 से गुणा कर दो, 100/100, तो ये 100/2 कितना हो गया 200, यानी इसका मतलब भी क्या हुआ 1/2। अब इस 5 से इस 200 को विभाजित करो, ठीक है, तो जब मैं इस 5 का भाग दूंगा 200 में, तो क्या आएगा 40 आ जाएगा। तो 40 से भी इसको गुणा करवा देना, माइनस 2/5 को गुणा कर दो 40 से, तो ये माइनस 80/200 हो जाएगा। तो माइनस 80 से लेकर के प्लस के 100 तक आप क्या कर सकते हो, बहुत सी संख्याएं लिख सकते हो, सब क्या है इनके मुद्दे हैं, ठीक है। तो ये तरीका मेरे हिसाब से आपके लिए बस होगा। हालांकि वैसे अपन ने एक और तरीका सीखा था माध्य विधि वाला, जो मैं शॉर्टकट में यहाँ राइट कर देता हूँ, ऐसे माध्य विधि से भी हम क्या करते थे, मध्य की संख्या निकालते थे, जिसका सूत्र होता था ऐसे a+b/2, यानी इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, पहली संख्या, ठीक है, ऐसे पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, ठीक है, ऐसे दूसरी संख्या बटे में दो, यानी दो संख्याओं को जोड़ो दो का भाग दो, फिर दो को जोड़ो दो का भाग दो, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो आप सीधा शॉर्टकट मान निकाल सकते हो, ठीक है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 को हम सिंपलीफाई कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ, अच्छे से देखना किस प्रकार से सिंपलीफाई कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सही ऐसा ऐसा क्वेश्चन है कि जिनके बीच क्या करनी है, अपन को प्रिमस संख्या निकालनी है, तो और समझने की कोशिश करो ताकि आपके और समझ में आएगा, ताकि ये टेंशन नहीं रहेगी कि सर किस प्रकार से, किस प्रकार का एक क्वेश्चन तुम्हारे फोर मार्क्स का आता है,
यानी आठवीं क्लास में चार नंबर का क्वेश्चन आता है। देखो पांचवा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर पांच है, क्वेश्चन नंबर पांच है, ये क्या कह रहा है, ये ऐसे कह रहा है कि दो बटे वे ऐसे, पहला पार्ट ऐसे, दो बटे वे तीन ठीक है, और ऐसे लिख रखा है, और चार बटे वे पांच ठीक है। फिर इसमें से लिखा है दूसरा, इसका सेकेंड पार्ट से कि माइनस तीन बटे वे दो ठीक है, और ऐसे लिखा है क्या, पांच बटे वे तीन ठीक है, ऐसे लिखा है। तीसरा पार्ट इसका भी पार्ट नंबर थर्ड जिसमें से है एक बटे वे चार, और अपने पास दे रखा है क्या, एक बटे वे दो, ऐसे लिखा है के मध्य, ऐसे के मध्य आपको क्या करनी है, पांच प्रमेय संख्या की याद करनी है, पांच प्रमेय ठीक है, ये लो पांच प्रमेय संख्या है, क्या करो याद करो ठीक है। ये लो ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ एक बार में, फिर अपन सिक्स और सेवन क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो सबसे पहले सेम वो का वही क्वेश्चन है, प्रमेय संख्या मैं गिनने में पहला संख्या देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ ठीक है। अब देखो उत्तर, सबसे पहले मैं पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, फिर आगे आपको ही करना है ठीक है। अपने पास क्या है, क्वेश्चन कैसे लिखेंगे पहले तो कि संख्या हो ठीक है, जैसे आपके पास कोई दो संख्या है, ये ले लिया मैंने दो बटे वे तीन, और दूसरी संख्या ली जैसे चार बटे वे पांच ठीक है, लिखेंगे के मध्य के बीच ठीक है, कितनी प्रमेय संख्या बनेंगे, पांच प्रमेय संख्या है, तो लिखेंगे पांच प्रमेय संख्या है, ऐसे प्रमेय संख्या है ठीक है, निम्न प्रकार से होगी, कितनी संख्या याद करनी है, आप इस दस बटे दस से कर दो, कोई कह सकता है बीस बटे बीस से कर दो, बिल्कुल इस बटे बीस से कर दो, आप चालीस बटे में चालीस से कर दो, सौ बटे सौ से कर दो, दो सौ बटे दो सौ से, आपकी इच्छा, यानी आप ऐसी सुटेबल संख्या चुनो जिससे अंश व हर दोनों गुणा हो जाने चाहिए। फिर शर्त है जैसे आप हर को गुणा कराओगे तो जो मान आए वो दूसरी वाली संख्या के अच्छे डिवाइड भी होना चाहिए, ताकि आप इजीली दोनों संख्याओं को क्या कर सको, हर समान बना सको, हर समान हो जाएगा तो फिर उनके बीच की सभी संख्याएं आपको मिल जाएंगी ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको जैसे 30 बटे वे 30 से गुणा करवा दिया ठीक है, या फिर मैं इसे कहूं आपको 20 बटे वे 20 से गुणा करवा दूं, ये लो ठीक है, तो 20 बटे वे 20 से क्या, ये तो हो गया 40 बटा 7। अब देखिएगा इस 60 में इस 5 का भाग हो ताकि आपको पता चले कि इस संख्या को किससे गुणा करवाया जाए ठीक है, तो ये लो 5 का भाग दिया 60 में तो 12 आ गया ठीक है, 12 * 60 ठीक है, ये लो। अब इस 12 से इसको गुणा करवा दो, तो ये लो बेटे मैंने 12 से इसको गुणा करवा दिया, तो देखो ये क्या हुआ, 12 * 48 ठीक है, और ये 12 * 60 ठीक है। अब कहां से काउंटिंग करना है, 40 से कहां तक, 48 तक, तो मैं यहां राइट कर दूं, देखो 40 से आगे 48 बटे 60, फिर लिख दूं 42 बटे 60, फिर लिख दूं 43 बटे 60 ठीक है, फिर लिख दूं 44 बटे 60, फिर लिख दूं मैं 45 बटे 60, फिर मैं लिख दूं 46 बटे 60 ठीक है, फिर लिख दूं मैं 47 बटे 60, 48 तो है अपने पास। अब आप लोगों को कितनी संख्या बतानी थी बेटे, पांच ही तो बतानी थी, देखो कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5, तीन में से कोई भी पांच लिख देना। अब आराम से इसको भी आप सिंपलीफाई कर सकते हो, उसको भी आप सिंपलीफाई कर सकते हो। ऐसे ही अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 7 है जो ऐसे कैसे है, मैं राइट कर देता हूँ, 6 क्वेश्चन अभी समझाऊंगा मैं, उससे पहले 7 क्वेश्चन दे देता हूँ एच डब्ल्यू के रूप में जो आप ही को करना है। देखो क्या है, ऐसे ऐसे संख्या है 3/5 ठीक है, और ऐसे ले रखा है और ऐसे 3/4 ठीक है, के बीच ऐसे के बीच अपन को क्या करना है, मैं 10 प्रमेय संख्या बता रही है, ऐसे 10 प्रमेय ठीक है संख्या लिखिए ठीक है, ये लो ये है संख्या है ठीक है, लिखिए या याद कीजिए ठीक है, याद कीजिए, ये क्वेश्चन आप ही को सॉल्व करना है क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन हो गए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है, अब ये मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे है जैसे क्वेश्चन नंबर आया था पिछले
क्वेश्चन नंबर अपने पास की दो से बड़ी संख्या बताओ, तो ये क्या है माइनस दो से ऐसे से बड़ी, अपने पास से दिया माइनस दो से बड़ी पांच है, ठीक है, प्रिमेय ऐसे प्रिमेय संख्या है, ठीक है, लिखिए ऐसे लिखिए, तो पांच प्रिमेय संख्या कैसे लिखेंगे वो देखो, माइनस दो से बड़ी होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए, तो माइनस दो से बड़ी कौन कौन सी संख्या होंगी, मैं एक नंबर लाइन बता देता हूं, मैं यहां क्लिक कर रहा हूं प्रॉपर्टी मतलब कार्य के अंदर ही ताकि आपको समझ में आ जाए, देखो ये अपने पास से नंबर लाइन है, तो माइनस की संख्या जीरो से जीरो होती है, देखो ये माइनस का वर्ग, ये माइनस का, ठीक है, तो ये क्या कह रहा है माइनस टू से बड़ी होनी चाहिए, तो माइनस टू से जो भी संख्या बड़ी होगी वो इधर होगी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर फाइव अनंत बहुत सी संख्या है, प्लस संख्या है, आपको कितने बतानी है केवल पांच बतानी है, तो आप ऐसे लिखेंगे माइनस टू से बड़ी ऐसे पांच प्रिमेय संख्या है, प्रिमेय संख्या है, ठीक है, अब आप लिखो जिससे क्या माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर फाइव इसको डालो, ठीक है, यह आंसर हो गया, ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका लास्ट क्वेश्चन बच रहा है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर सेवन जो मैंने आपको बता दिया ये रहा, इस प्रकार से आज अपनी यूनिट कंप्लीट हो गई, हाँ तो प्रिय स्टूडेंट्स मेरे द्वारा दी गई क्लास आपको बेहद अच्छे से समझ में आई होगी, और मैं आशा रखता हूँ कि आप मेरे साथ यूं ही जुड़ करके रोज मेरी द्वारा दी गई क्लास को बहुत ही अच्छे से अटेंड करोगे, तथा इसका जो कार्य वगैरह है जैसे आप रिटर्न में भी करोगे और एक्सडब्ल्यू आपको जो दिया जाता है उसको आप सॉल्व करके उसके जो आंसर प्राप्त होते हैं या उसमें किसी प्रकार की आपको मिस्टेक प्राप्त होती है तो अपने स्कूल के नंबर है ये 9887239567 है, इन पे बेसिक आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और मेरे को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हो, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।